भी बहुत अच्छी है। संजय दत्त और माधुरी दीक्षित मोर देन टू डिकेट्स बाद साथ में आए हैं। दोनों का रोल छोटा है क्वांटिटी में, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है। मेन रोल वरुण धवन और आलिया भट्ट का है। सॉरी, वरुण धवन। सॉन्ग अच्छे हैं, कंटेम्प्ररी है। मूवी अराउंड 1946 और 56 के आसपास है, तो सॉन्ग्स भी उस टाइम के कंटेम्प्ररी हैं। स्टोरी जो है फर्स्ट हाफ में थोड़ी सी स्लो जा रही है, सेकंड हाफ में ग्रिप अच्छा है, और सेकंड हाफ में थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। ड्यूरेशन थोड़ा लंबा है मूवी का। कंटेम्प्ररी है, उस टाइम के है, तो उस हिसाब से फिट होते हैं। आज के हिसाब से फास्ट ट्रैक और इन लाइन में बहुत अच्छी लगी। आलिया भट्ट और वरुण धवन ही मूवी को अपने शोल्डर पे कैरी करते हैं। थैंक यू। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। बेस्ट सीन पूरी मूवी अच्छी थी, आलिया भट्ट एंड वरुण धवन। एक्टिंग भी अच्छा है। 4 या इट्स वेरी नाइस, ऑसम पिक्चर है। मोहब्बत के बारे में, कुछ भी समाज को लेके होता है बट स्टिल मोहब्बत कायम रहती है, एंड हर एक जोड़ी फैंटास्टिक है उसके अंदर। अब मैं वापस देखने जाऊंगी, इट इज ऑसम। बहुत अच्छा वेरिएशन बताया है। यस, द ओल्ड वाला इट इज बैक, सो बहुत अच्छा है उनका जोड़ी। इट इज समथिंग वेरी नाइस। आई विल से कि आप लोग भी जाके देखो, इट इज वेरी नाइस। यस यस, आलिया भट्ट एक्टिंग, वरुण धवन्स एक्टिंग, आदित्य रॉय कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, एवरीबॉडी इज डन डायनामिक इन देयर रोल्स। यस यस, पुरानी वाली यादें, मतलब फुल ऐसा लगता फ्लैश बैक हो गया। मैम तो ऑसम ही है, सो एंड संजय दत्त ऑल गुड इन दिस वे, दैट्स इट। 4.5। थैंक यू। कैसी लगी मूवी आपको? कलंक मूवी तो बहुत अच्छी लगी, एंड बहुत मज़ा आया देख के भी, क्योंकि कलंक मूवी में बहुत, मतलब 6 कैरेक्टर थे जो बड़े लीड में थे, और सबसे अच्छी एक्टिंग लगी तो आलिया भट्ट की लगी। आलिया भट्ट इज़ ऑसम एक्टर, और आलिया भट्ट के ऊपर ही इर्द गिर्द ये फिल्म घूम रही थी सारी। और ये बहुत दिनों के बाद संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की जो केमिस्ट्री आई, वो कैसा लगा आपको? संजय दत्त का तो कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि जो उनका कैरेक्टर था वो ज़्यादा पसंद नहीं आया, बिकॉज़ उनका जो गुस्से से आ रहा था ज़्यादा एग्रेशन, जो वो उनका जो रोल था बाप का, जो किसी का, मतलब वो नहीं जम रहा था उनको ज़्यादा। आदित्य राय कपूर की जो डायलॉग डिलीवरी थी वो बहुत ऑसम थी, डायलॉग डिलीवरी इज़ बेस्ट। और उनका जो रोल था सोनाक्षी सिन्हा के साथ वो अच्छा था, बट वो कैरेक्टर जो होता है ना, बट वो नहीं था। स्टोरी की बात करें तो स्टोरी तो पहले 20 मिनट तक हमें इंगेजिंग लगती है, 20 मिनट के बाद जो शुरू हो जाता है उसके बाद तो कुछ लगता ही नहीं कि हम फिल्म देख रहे हैं, हम तो अपनी दुनिया में बाद में खोए जाते हैं। पर जैसे ही म्यूज़िक आता है, म्यूज़िक में हमें उस स्टोरी के अंदर चले जाते हैं, वरना म्यूज़िक नहीं है तो फिल्म देखने लायक नहीं थी। लेकिन इंटरवल के बाद जैसे जैसे सीन्स आते गए बहुत अच्छा लगा, एंड लास्ट वाला सीन बेटर था, बहुत अच्छा था। हाँ, जो बोला मैंने म्यूज़िक जाने, तो म्यूज़िक में जो माधुरी दीक्षित का जो परफॉर्मेंस था वहाँ से असली मूवी शुरू होती है ऐसा लगता है, क्योंकि उनके जो डांस में सब दिखाया गया तो वहाँ से असली मूवी शुरू हो गई। और मूवी देखने लायक है, जो बाद में जिसको भी ये ज़िंदगी का एहसास कराना है, मोहब्बत और कलंक दोनों का फ़र्क बताया गया है इसमें, तो जिसको मोहब्बत में और कलंक में फ़र्क जानना है उसको मूवी देखना बहुत ज़रूरी है। सॉन्ग्स तो पता नहीं, भूल गया मैं, बट मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी। स्टाफ को स्टाफ मूवी देख कर के आ रहे हैं, किस तरीके का, कैसा लगा मूवी? पिक्चर देख के हम निराश हो गए हैं, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है इसमें। जितने सब अच्छे, इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, सब वेस्ट हो गए। वो एक तो मेन तो डायरेक्शन अच्छा नहीं था, और स्टोरी जो ग्रिप नहीं है उसमें, स्टोरी में पकड़ के रखे। हाँ, उसमें एक क्या, खाली जो उनके जो थोड़े एक दो डांस थोड़े ठीक है, एक जो बोलते हैं उसका शेड अच्छे लगाए हुए हैं, और कोरियोग्राफी अच्छी है, लेकिन पिक्चर मेरे ख्याल से चलेगी नहीं पिक्चर। हाँ, वो भी इनका रोल है, लेकिन इतना रोल में कुछ दम नहीं है। इस फिल्म में सबसे अच्छा काम होगा ये भी आपको किसका लगा? संजय दत्त है, सोनाक्षी सिन्हा है, तो उसमें मुझे, मेरे ख्याल से तो जो विलन बना हुआ ना कुणाल खेमू, उसका काम अच्छा।
थोड़ा इम्प्रेसिव है, बाकी उतना कुछ खास नहीं। सॉन्ग्स के बारे में क्या कहना चाहिए? सॉन्ग्स एक आध सॉन्ग्स अच्छा रहेगा, बाकी कुछ नहीं। पाँच में से कितने शादी में? दो। मूवी बहुत ही अच्छी है, मूवी सिर्फ थोड़ी लंबी है, बट मूवी के जो कैरेक्टर्स हैं, सारे कैरेक्टर्स, सबकी एक अपनी अपनी कहानी चल रही है, और पिक्चर चलती है आलिया भट्ट के नज़रिए से, तो पिक्चर बहुत ही अच्छी है, और सिर्फ थोड़ी लंबी है क्योंकि कैरेक्टर्स, हर एक कैरेक्टर को टाइम देना पड़ता है। पिक्चर्स के गाने बहुत अच्छे हैं, सबसे अच्छा गाना इस पिक्चर में फ़र्स्ट क्लास है, मूवी भी फर्स्ट क्लास है, आप जाके देख सकते हो। अगर सिर्फ आपको थोड़ी लंबी पिक्चर ही देखना पसंद है और आप थोड़ा रुको है कैरेक्टर्स के साथ, आप कैरेक्टर से जुड़ जाओगे और पिक्चर के साथ अगर आप थोड़ा चलते रहोगे जैसे पिक्चर चल जाएगी, आपको एंड में क्या पता रोना भी आ जाए। सर, आपने वरुण आलिया की जोड़ी को हमने पहले ही बदला था, करनी है इस फिल्म में, आपको इन दोनों की जोड़ी कैसी लगी? इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, और इसके अलावा इस पिक्चर में संजय दत्त और माधुरी दीक्षित भी साथ में है, तो वो सीन बहुत ही अच्छा है, और उस सीन के अंदर एक कैरेक्टर और आता है, वो कैरेक्टर मैं बताऊंगा नहीं, आप सिर्फ देखो पिक्चर, आपके लिए वो मैं स्पॉइल नहीं करूंगा। म्यूजिक वो म्यूजिक इतना फर्स्ट क्लास है यार, एकदम फर्स्ट क्लास, आगे देख के आओ। देखो मैंने पूरी एज ए ओवरऑल मूवी के बारे में अगर मैं बोलूं तो मूवी बहुत ही अच्छी है, लंबी है, आपको कैरेक्टर से रुकना पड़ेगा, अगर आप जुड़ जाओगे तो आपको पिक्चर बहुत ही अच्छी लगेगी, तो आपको लेंथ भी एक बार के लिए आप कर लोगे, चलो कैरेक्टर्स की जर्नी चल रही है, देखे अब क्या होने वाला है, तो अगर आप कनेक्ट हो जाते हो तो आपको पिक्चर बोरिंग नहीं लगेगी। जी, मैं भी उन्हीं की तारीफ़ कर रहा हूँ। जी, आलिया भट्ट का काम तो बहुत ही अच्छा है, वो मेरी फेवरेट है, और वरुण धवन तो भाई जफर भाई है अपने, उनका गाना फर्स्ट क्लास, पिक्चर भी फर्स्ट क्लास है, आप देख के आओ। थैंक यू सो मच। कलंक मूवी देख करके आ रहे हैं, आपको कैसा लगा मूवी के बारे में क्या कहना चाहिए? मूवी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा लगा हम लोग को मूवी देख के। पहले स्टार्टिंग में समझ में नहीं आया मूवी का क्या पार्ट है एग्जैक्टली, फिर बाद में जब कैरेक्टर सब सामने आए, थोड़ी अंदर मूवी इंटरवल हुआ तभी पता चला कि मूवी एक्चुअली है कि वरुण आलिया के जोड़ी के बारे में क्या कहना चाहिए? इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत सारी मूवी में देखा है, इस मूवी में ऐसा क्या खास है लोगों में कि जो आपको अच्छा लगा? इस मूवी में इतना ये हम लोग को समझ में आया कि अगर कोई रिलेशनशिप है तो लोग उसको कुछ अलग अलग नाम नज़रिए से देखते हैं, नाम देते हैं, बट ये कलंक नहीं होता है, हार्टली लव होता है, किसके हार्ट में क्या लव है किसी को नहीं पता चलता, तो ये समझ में आया कि वो लव। माधुरी दीक्षित और संजय दत्त बहुत टाइम के बाद हम लोग को पर्दे पे दिखे, बट फिर भी उनको दूर ही रखा गया, तो थोड़ी सी ये हुई, लेकिन बहुत अच्छी थी मूवी, उनका तो कुछ बता ही नहीं सकते। इसमें आलिया भट्ट और वरुण के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितना अच्छा लगा? कलंक सॉन्ग बहुत अच्छा है, उसकी जो जो टाइटल सॉन्ग है वो बहुत पसंद है हम लोग को। बस 4.5। किस तरीके का एक्सपीरियंस हुआ? एक्सपीरियंस अच्छा था, बट आई थिंक बहुत स्लो पेस्ड मूवी है, तो अगर एडिटिंग पे यू नो और लेंथ पे ध्यान रखा जाता, पेस वो वेरी स्लो पेस्ड। हाउएवर प्रोडक्शन डिज़ाइन बहुत अच्छा है, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है विनोद प्रधान की, बट एडिटिंग में जो श्वेता मैथ्यू हैं तो वो एडिटिंग पे ध्यान रखना चाहिए था, क्योंकि बहुत लंबी हो जाती है, 2 hours 45 minutes, यूजुअली जो पीरियड ड्रामा मूवीज़ होती हैं वो लंबी ही होती हैं, बट ये काफ़ी मोनोटोनस हो जाती है बीच में, इतनी ज़्यादा स्लो पेस्ड कि यू नो ऑडियंस इज़ नॉट लाइकिंग इट। वरुण आलिया को हमने पहले भी बहुत सारी फिल्मों में एक साथ देखा है, इस फिल्म में दोनों की जोड़ी को आपको किस तरीके की? उनकी केमिस्ट्री हमेशा ही अच्छी है, राइट फ्रॉम स्टूडेंट ऑफ द ईयर, ये मूवी में भी अच्छी है, और वरुण का भी काफ़ी संजीदा रोल है, और आलिया भट्ट इज़ ऑल्सो गुड, बट देन अगेन स्क्रीन प्ले बहुत ही ढीला है, अगर स्टोरी के ऊपर ध्यान करिए इट इज़ स्कैटर्ड, तो वो जो बांध के रखती है ऑडियंस को एंटरटेन करती है वो मूवी में वो नहीं है, थोड़ा सा मिसिंग, इट लैक सोल बेसिकली। उनकी जोड़ी अच्छी है आई थिंक, हाउएवर आई फेल्ट संजय दत्त लुक लिटिल बिट जेडेड, यू नो माधुरी दीक्षित शी लुक स्टनिंग, उनका बहुत अच्छा डांस है, सरोज खान ने कोरियोग्राफ किया है, और म्यूज़िक अच्छा है, तबाह हो गई गाना है बहुत अच्छा है, डायलॉग्स अच्छे हैं, सोनाक्षी सिन्हा का भी एक छोटा सा रोल है, आदित्य रॉय कपूर का काफ़ी रेस्ट्रेंट कैरेक्टर है, बहुत ही उन्होंने अच्छा रोल प्ले किया है, तो इट एंटरटेन्स यू बट इन बिट्स एंड पार्ट्स, इट इज़ नॉट वेरी कंसिस्टेंट। सर,
मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगी क्योंकि इतना हाइप और प्रमोशन था, इस साल की सबसे बड़ी मूवी थी, तो इतनी मल्टी स्टार कास्ट के साथ भी वो उतना जस्टिस नहीं कर पाए। आप एक तरफ वो ईरा डिपिक कर रहे हैं, रोमांस भी दिखा रहे हैं, सब कुछ दिखा रहे हैं, एक बुल फाइट का सीन है वरुण धवन का बुल के साथ, इट डिड नॉट लुक रियलिस्टिक एट ऑल। तो आई थिंक VFX के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए था। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक लेंथ और पेस है, वेरी स्लो पेस्ड एंड वेरी लॉन्ग, तो उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए था। I'll still give 3 stars, 1 star for Madhuri Dixit. Sorry? Best part of the saving grace is music, I think. And performances are good. However, screenplay and story could have been better. It was very nice, very nice. Alia Bhatt and Varun Dhawan. It's very nice. 5 out of 5 या फिर उससे ज़्यादा, 10 भी दे सकती हूँ। इट वॉज वेरी नाइस, रियली वेरी नाइस। वरुण धवन इज माई हीरो, दैट्स वाई आई लव्ड हिम।